कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने आज चार्ज ग्रहण कर लिया है। बता दें कि पुलिस कमिश्नर की कमान संभालने वाले आईपीएस अखिल कुमार कानपुर के पांचवे पुलिस कमिश्नर हैं। चार्ज लेने के बाद आईपीएस अखिल कुमार ने सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि उनकी प्राथमिकता है गरीब और असहाय लोगों को न्याय दिलाना। आगे और कुछ क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कानपुर जैसे प्रसिद्ध शहर और प्रेस्टीजियस सिटी में मुझे आप लोगों का सेवा करने का अवसर मिला है और अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ का कार्यभार ग्रहण किया है। कानपुर कई कारणों से प्रसिद्ध रहा, औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता था और एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे IIT, जो मैं भी चूँकि IIT का छात्र रहा हूँ तो उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। देश का सबसे प्रेस्टीजियस इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है यहाँ पे, और कई अन्य कारण है। गंगा का तट है, मैं भी गंगा के किनारे पैदा हुआ हूँ तो एक उससे मेरा इमोशनल कनेक्ट बनता है। आज अब आपके बीच में आ गया हूँ, मैंने एक प्राथमिक मीटिंग हमारे ऑफिसर्स के साथ की है, एक असेसमेंट कर रहे हैं हम लोग अभी कानपुर में क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार उन समस्याओं को हम हैंडल करेंगे, उन सब पे स्ट्रैटेजी और विचार विमर्श, थोड़ी मेरे एक ब्रॉड असेसमेंट जब हो जाएगा तब हम उसके विषय में और आप लोगों से समय समय पे बताएंगे। बट ब्रॉड पॉलिसी हम लोगों ने जो की है उसमें कुछ पॉलिसीज जो हम फोकस करेंगे उस पर थोड़ा मैं आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। जो सर्वप्रथम प्राथमिकता रहती है हमारी वह है कि पुलिसिंग आज जो है, आप जानते हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में मैसिव इम्प्रूवमेंट हुआ है, अपराधी बिल में घुस गए हैं, माफिया तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो पुलिस को एक ब्रीदिंग स्पेस मिला और उस ब्रीदिंग स्पेस में हमें ज़रूरत है कि वह जनमानस जो गरीब है और असहाय है और थानों पर जाती है और संभवतः उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों की सुनवाई हो, इनका सम्मान मिले, इनके लिए हम क्या इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे काम करें, इस पे विचार करने पर और इस पे फोकस रहेगा मेरा कि आम जनमानस को एक अच्छा फीलिंग हो, वो सिटीजन्स जो हैं वो पुलिस से कनेक्ट कर सकें। इस पे कई बार बात हुई है बट हम लोग कुछ इस पे ज़रूर सिंसियर एफर्ट करेंगे और मैं आपको वादा करता हूँ कि इसमें आपको आने वाले समय में परिवर्तन दिखेगा। तो एक तो सिटीजन सेंट्रिक, वो भी आम आदमी, असहाय आदमी, जो गरीब आदमी है, उसको हम कैसे सम्मान और सहज न्याय दे सकें, मदद कर सकें, उनके सहयोग में कैसे खड़ा हो सके, उस पर फोकस हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसमें वो जन सुनवाई का हमारा मैकेनिज्म हो, हमारा आउटरीच मैकेनिज्म हो, कैसे होगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। नंबर एक आ रहा हूँ मैं आपके बारे में, आपके प्रश्न भी लूँगा। दूसरा बात हम कह रहे हैं कि जो फोकस हमारा रहेगा वो जो मुझे समझ आई इनिशियल बातों में वो है शहर में ट्रैफिक व्यवस्था। और ट्रैफिक व्यवस्था मैं कानपुर में बताना चाहूँगा कि मेरे पहली नियुक्ति नहीं है, मैं SP इंटेलिजेंस के रूप में वर्ष 2001 में यहाँ काम किया था। उन दिनों में चूँकि क्रिकेट मेरा शौक है, क्रिकेट के खिलाड़ी के रूप में आया था आपके शहर में और इंटेलिजेंस के दौरान मैं यहाँ पर UP रणजी ट्रॉफी टीम में आया उत्तर प्रदेश की और खेला, तो इस शहर को मैं खिलाड़ी के रूप में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में देखा हुआ हूँ। और तब से और आज में मुझे ट्रैफिक की चैलेंज लगी, लोगों ने भी बताया, जो मेरी इनिशियल फीडबैक है, बहुत नागरिक मेरे पहले से जानने वाले हैं, तो ट्रैफिक हमारी प्रायोरिटी होगी। मुझे बताया गया कि उसको हम लोग स्टडी करेंगे कि अब तक क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और क्या हम अदर स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा फोकस एरिया रहेगा। तीसरा चीज़ है न्यू एंड इमर्जिंग क्राइम्स। अभी आपको मालूम है कि साइबर क्राइम्स एक न्यू एंड इमर्जिंग क्राइम्स है और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए या बेटर पुलिसिंग करने के लिए, IIT के होने से हम कैसे उसको लिवरेज करें बेटर पुलिसिंग के लिए, टेक्नोलॉजी का, बिकॉज मेरा टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड भी है, तो हम बेहतर टेक्नोलॉजी का पुलिसिंग में और जन डिलीवरी सिस्टम इम्प्रूव करने पर कैसे फोकस करें, क्या क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग विशेष प्रयास करेंगे। और न्यू एंड इमर्जिंग क्राइम्स में जो हम कह रहे हैं कि ये एक साइबर एरिया है वो इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है, उस पर हमें फोकस करेंगे। अगेन मैं कहता हूँ, जब ट्रेडिशनल क्राइम जाएंगे, जो माफिया और अपराधी हैं वो हमारे नज़र में रहेंगे, ये शहर कम्युनली सेंसिटिव है, उन पर हमारी पैनी नज़र रहेगी। हम जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं
और जो स्ट्रांग मेथड्स हैं वो लगातार अपराधियों के विरुद्ध, और जो माफिया अपराधी अगर कोई सर उठाने की कोशिश करेगा तो उस पर कोई भी कठोर कार्रवाई करने से हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। बट एट द सेम टाइम मैं फोर्स से भी कह रहा हूँ कि 99% शरीफ लोग हैं समाज में, उनके साथ हमें व्यवहार अच्छा करना है, उनसे हमें कनेक्ट बना के रखना। तो ये ब्रॉड प्रिंसिपल मैंने आपसे शेयर किया, बाकी इसकी स्ट्रैटेजीज और डिटेलिंग मैं समय समय पे वंस मैं थोड़ा असेसमेंट कर लूँ, अगले 2-3 दिन मैं सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन से बात करूँगा, आप लोग से भी इंटरेक्ट करूँगा और थोड़ा सेंस लूँगा, और उसके बाद मैं उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज बनती है उसको लेके आके आपके बीच में आऊँगा। तो ये मेरी मुख्य बातें हैं, मैं आप अपने प्रश्न